दोस्तों इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि मेरा स्मार्टफोन वाईफाई से कनेक्टेड है, लेकिन ऊपर स्टेटस बार में कोई भी वाईफाई सिंबल या फिर वाईफाई आइकन शो नहीं हो रहा है। ऐसा करने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम अपने स्मार्टफोन को वाईफाई से कनेक्टेड रखना भी चाहते हैं, लेकिन हम शो नहीं कराना चाहते हैं कि हमारा स्मार्टफोन वाईफाई या नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, या फिर आप जो भी ब्राउजर ओपन करते उसे ओपन कर लेंगे और गूगल की वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब गूगल सर्च में लिखेंगे क्लीन स्टेटस बार डेवलपर्स। अब जब ये लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से सर्च रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो www.apkmonk.com वाली वेबसाइट है, इस पे टैप करके इस लिंक को ओपन कर लेंगे। फिर यहां पर इस एपीके को डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इस लिंक पे टैप करेंगे। फिर यहां पर आपसे डाउनलोड के लिए पूछा जाएगा, तो यहां ओके कर देंगे और ये एपीके इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। फिर इस पे टैप करके इसे हम अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करेंगे, और इसे इंस्टॉल करने के बाद जब हम बैक जा करके देखेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली ये जो एप्लीकेशन है इसे हम ओपन कर लेंगे, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस शो होगा। बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्लीन स्टेटस बार और सामने टॉगल बटन बनाए, इस पर टैप करके इसे इनेबल कर देंगे। नीचे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, बैकग्राउंड, वाईफाई आइकन और नेटवर्क आइकन का। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में आप टैप करके जो स्टेटस बार का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, और जो वाईफाई आइकन है इस पर आप टैप करके वाईफाई के आइकन शो हो या ना हो इसे डिसेबल या इनेबल आप कर सकते हैं। और इसी तरह से नेटवर्क आइकन वाले ऑप्शन पर टैप करके आप नेटवर्क बार को डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं। 3G का नेटवर्क शो हो, 4G का नेटवर्क शो हो या 2G का शो हो, जैसा आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से आप देखें तो ये जो है एक डमी स्टेटस बार है जो कि ओरिजिनल स्टेटस बार के ऊपर शो होने लगता है, और यहाँ पर जैसी सेटिंग हम करते हैं वैसा यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हुए भी वाईफाई आइकन को हाइड कर सकते हैं। और अगर आप इस डमी स्टेटस बार को हटाना चाहते हैं यानी कि डिसेबल करना चाहते हैं, तो फिर से आप क्लीन स्टेटस बार वाले एप्लीकेशन को ओपन करके बिल्कुल ऊपर जो टॉगल बटन को आप इनेबल किए थे उसे डिसेबल कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।